आशी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं छारा आ गया छे और आशी का यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की कहना चाहती हूँ। और मैं आज महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमें अपनी जाग के छा के जा क्या है और चिंतुखी पर खर खर। और मैं अनुपम अंकल का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे अपने लाइफ पेपर आने का मौका दिया। और ये हम सब महान परमेश्वर की प्रार्थना में चलने से पहले उनकी छोटी सी प्रार्थना में दे जाएंगे। और मैं मेरे पापा को प्रार्थना में अगुवाई करना चाहूँगी ताकि वो प्रार्थना में आकर प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको जय मसीह की प्रेज दला और ढाली लो या आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपको, फिर से धन्यवाद करते कि आपने फिर दोबारा से हमें मौका दिया कि हम आपकी वेदी के नज़दीक आ पाए। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम जी और भाभी चंदम जी का कि उनका ये पेज आ गई मछली मंडली, उस पर हम हर सप्ताह बोलते हैं खुदा हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमको मौका देते हैं कि हम उनके पेज पे ऑनलाइन आ सकते हैं आते हैं। और खुदा और जो भी वचन खुदा बोला जाता है खुदा हम दुआ करते हैं कि वो वचन बहुत आयत से लोगों के मनों में जाए। खुदा लोग अपना मन परिवर्तित करें और खुदा आपकी हजूरी में आए और खुदा आपकी महानता को पहचाने और खुदा आपको अपना उद्धार करता माने। खुदा हम दुआ करते हैं भाई अनुपम जी के लिए खुदा उनके परिवार में खुदा उनके बेटे बेटियों को खुदा और हस्बैंड वाइफ हम आपके सम्मुख लाते हैं। हम दुआ करते हैं उनकी खुदा परिवार में कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए खुदा। और खुदा जिस तरह सेवा में निरंतर खुदा आप लगे रहते हैं खुदा आप दुआ करते हैं कि उनका उनको खुदा बहुत आय से आशीष करिए। खुदा को हम दुआ करते हैं कि जितने भी खुदा इस पेज के द्वारा खुदा उनके बच्चों को सुनते हैं खुदा आज पेज पे जो भी बोलता है उनके बच्चों को सुनते हैं सुने और ग्रहण करें और खुदा अपनी ज़िंदगी में उसे अपनाएं और खुदा ताकि वो खुदा आपके राज में आने वाले हो सकें। खुदा हम दुआ करते हैं खुदा बेरोज़गारी के लिए, बेरोज़गारी आपके नाम में ख़त्म होने पाए खुदा, गरीबी ख़त्म होने पाए खुदा, जो बीमार है वो खुदा छुपा पाए खुदा। हम दुआ करते हैं खुदा इस टाइम खुदा जगह जगह खुदा और जो इस टाइम माहौल चल रहा है खुदा हम दुआ करते हैं उन जगहों पर खुदा आपकी आशीष और आपका अनुग्रह होने पाए खुदा। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, उसका आपका धन्यवाद करते हुए दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मन को आमीन। सबको जय मसीह की प्रेज दला और ढाली लो या मैं मेरे पापा का धन्यवाद करता हूँ जो हमें प्रार्थना तुति में हमारी अगुवाई करी। आइए हम तो महान परमेश्वर की आराधना चाहते हैं। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मोटा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मोटा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अब मेरी उसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उतने की। अब मेरी उसे भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उतने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आए जी ये छू है चाचा गलिया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ मेरे चलता है आहा,
जहाँ छुपाई चल के झरने है ओ वादी पहाड़ों मेरे चलता है आहा, जहाँ छुपाई चल के झरने है ओ हो ये जो है छत्ता गरिया हम की भेरे हैं हरी चराइयों में हमें चराता है हालेलुया आमीन 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 हालेलुया आमीन। आइए अब हम जब महान परमेश्वर के वचन में चलते हैं। तो जैसा आप ये जानते हैं कि पहला बाइबल में पहला कुरिन्थियों की 13 अध्याय में प्रेम के बारे में लिखा है कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। परमेश्वर ने प्रेम को सबसे उत्तम मार्ग इसीलिए लिखा क्योंकि उसने संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र गवा दिया ताकि हर कोई पर विश्वास करे परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेम के ये 3 स्थिर होते हैं विश्वास आशा और प्रेम, पर प्रेम सबसे बड़ा है। जैसे कि प्रेम जो होता है वो कभी अपना नहीं चाहता है, वो हमेशा अपने पीछे जाता है, दूसरों के बारे में सोचता है, वो बुरी चीज़ों से खुद नहीं होता है, बुराई नहीं करता है, अपनी बुराई नहीं करता है, बुरी चीज़ें नहीं करता है, दूसरों का भला चाहता है और प्रेम आनंदित रहता है और हमेशा ये छुमछी की तरह रहता है, गुच्छा नहीं होता है और सबसे प्रेम करता है। जैसे कि अगर एक आदमी होता है, अगर वो अपनी संपूर्ण संपत्ति से गरीबों और कंगालों को भोजन खिलाता है तो भी वो ये मानता है कि अगर उसके पास प्रेम नहीं है तो उसे कोई लाभ नहीं है। जैसे कि आज आपको कई चीज़ों से प्रेम है, जैसे कि आपका अपने पैसों से प्रेम है, अपनी इन चीज़ों से प्रेम है, अपनी वो चीज़ों से प्रेम है, मैं अपनी परिवार से प्रेम है, पर क्या आज आप जानते हैं कि आज हमारा प्रेम कैसा है? क्या आज हमारा प्रेम परमेश्वर के लिए साप छुदा है? परमेश्वर ने हमसे साप और छुदा का प्रेम किया क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उतना भी ना ही लौटा पुत्र गवा दिया, इसीलिए ये यीशु मसीह में हमें प्रेम सिखाया। प्रेम सबसे बड़ा इसीलिए होता है क्योंकि उस प्रेम से हम लोग अपनी दोस्त के साथ रहते हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं हमेशा। अच्छा, पर आज हमारा प्रेम सिर्फ आवारा वस्तुओं पर है जबकि यीशु मसीह हम पर प्रेम करता था। आज हम लोग बताइए किस चीज़ पर प्रेम कर रहे हैं, पैसों पर, इन चीज़ों पर, वो चीज़ों पर, और पैसे जो संसार की वो चीज़ें होती हैं जो आप सबको पसंद होती हैं, आप इन चीज़ों पर ज़्यादा प्रेम करते हैं, पर क्या आज आप लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आप लोग यीशु मसीह से प्रेम करते हैं जबकि वो आपको इतना प्रेम करता है? क्या आप उसे उतना प्रेम करते हैं जितना वो आपको प्रेम करता है? उतने से प्रेम करना ही सीखा है, उसके महाप्रेम से ही वो मरा था, उसके महाप्रेम से ही वो जीवित हुआ, उसके महाप्रेम से ही वो सदा के लिए हमेशा जीवित रहा। क्योंकि प्रेम की जो 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, विश्वास आशा और प्रेम। विश्वास यानी कि ही अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करना, ऊपर पर टिके रहना, हालातों से ना डरना और यहोवा पर थोड़ा विश्वास करना। आशा यानी कि परमेश्वर की आशा रखकर, जैसे कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई नुकसान हो जाता है, आपका कोई नुकसान हो जाता है तो आप उसे ठीक करने के परमेश्वर की आशा रखते हैं कि मैं इसे ठीक कर लूँगा, मैं इसे नहीं डरता, परमेश्वर मेरे साथ है, आप इस चीज़ की आशा रखते हैं।
और उसी चीज को आशा कहते हैं आप लोग। और प्रेम, यानी कि प्रेम एक ऐसी सबसे बड़ी चीज है जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखी है, ताकि वो हमें सिखा सके कि प्रेम एक दुनिया की सबसे उत्तम वस्तु है। हमें संसार में हर को बुद्धि में आकर प्रेम जैसी उत्तम वस्तु को नहीं खोना चाहिए, यानी कि हमें में अपनी चीज़ों में आकर प्रेम जैसी सबसे उत्तम मार्ग और वस्तु को नहीं खोना चाहिए। प्रेम एक ऐसी चीज होती है जिसे हम जान पाते हैं, उससे परमेश्वर के और करीब आ पाते हैं और उससे परमेश्वर हमारे और करीब आ पाता है। और प्रेम जो होता है वो दुनिया में सारी चीज़ों में से सबसे बड़ी चीज होती है। यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को प्रेम, विश्वास और आशा सिखाई और ये भी बताया कि प्रेम इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। पर आज हम क्या मांग रहे हैं? आज हमें सिर्फ अपने पैसों से प्रेम है, अपने प्यार से प्रेम है, हमें अपनी गाड़ी से प्रेम है, हमें अपने घर से प्रेम है, हमें उन चीज़ों से प्रेम है, हमें दुनिया वस्तु पर प्रेम है, बस हमें सिर्फ परमेश्वर से प्रेम नहीं है। आज हम लोग बस दुनिया वस्तु में प्रेम करते हैं, बस परमेश्वर को छोड़कर। आज हम लोग बस परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे हैं, जबकि वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना लौता पुत्र दे दिया, पर आज हम लोग उसके बावजूद भी परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। मगर पौलुस ने बाइबल में परमेश्वर का ये वचन इसे रखा था ताकि हम लोग ये जान सके कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, यानी कि सबसे उत्तम और अच्छा रास्ता है जिस पर हम अगर चलेंगे तो हमें परमेश्वर के स्वर्ग के रास्ते की छियाँ मिलेंगी और हम उसके से होकर बादलों के पार जाएंगे, जहाँ मेरा दोस्त यीशु रहता है वहाँ। प्रेम एक ऐसी उत्तम चीज है जिसे हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। वो एक ऐसी चीज होती है जिसे हर किसी ने छीका होता है, जैसे कि परमेश्वर से का अगर कोई शत्रु होता है, अगर आज आप लोग परमेश्वर के लिए एक भेद बलिदान करते हो, दूसरों की मदद करते हो, तब भी आपको कोई लाभ नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है, कोई भी अच्छा नहीं लगता है, कोई भी प्रेम या खुशी नहीं मिलती है। जैसे कि अगर आप लोग के पास ज़्यादा पैसा होता है तो आप उससे गरीबों का पेट भरते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पर फिर भी आपको खुशी नहीं मिलती है। बताइए क्यों? आपको खुशी इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि कि आपको उस वक्त प्रेम नहीं मिल रहा होता है। अगर आपके पास प्रेम ना हो तो आप कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास प्रेम ना हो तो आपको कोई लाभ, कोई फायदा भी नहीं है। प्रेम एक ऐसी चीज है जो उत्तम से उत्तम है और एक उत्तम मार्ग भी है जो हमें परमेश्वर की ओर जाने में मदद करेगी। परमेश्वर ने इन सारे मार्ग को इसे बनाया, विश्वास, प्रेम, आशा, ये तीन मार्ग हैं जो परमेश्वर के मार्ग से जुड़े हुए हैं। पर प्रेम इन सारे मार्ग में सबसे बड़ा है, क्योंकि यीशु जो था वो लोगों से प्रेम करता था। बच्चे जब उनके पास आते थे तब वो उनके साथ खेलता था, कूदता था और अपने चेलों के साथ भी बड़ी प्यार से बात करता था। उनसे गुच्छे से हमारी तरह बात नहीं करता था, जैसे आज हम लोग परमेश्वर अपने पिता से गुच्छे से बात करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे प्रचार से ये सीखें कि प्रेम एक ऐसी उत्तम वस्तु है जिसे हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। प्रेम सारी चीजों में से सबसे बड़ी चीज है, वो एक सबसे उत्तम मार्ग है। अगर हम उस मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने मार्ग पर चलते वक्त परमेश्वर भी मिल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बात को याद रखें कि विश्वास, आशा और प्रेम, प्रेम इन सारी चीज़ों में से सबसे उत्तम मार्ग है जिसे हमें कभी तो ना खोना चाहिए और कभी ना उसका गलत मार्ग कहना चाहिए। प्रेम एक ऐसी चीज है जिसको परमेश्वर से हमारे लिए युग करता है, ताकि वो हमें भी अपने महाप्रेम से भर सके, क्योंकि यीशु मसीह भी अपने महाप्रेम से ही लोगों को अपना प्रचार बता पाया, ये यहोवा का बच्चा बता पाया। और लोगों परंतु जो लोग बोले थे, जिन लोगों ने
येछो मछी से नफरत की, येछो मछी ने उनसे भी प्रेम रखा। यानी कि जो लोग परमेश्वर के शत्रु थे, जो लोग परमेश्वर से ईर्ष्या नफरत और घृणा करते थे, येछो ने उन लोगों से भी प्रेम रखा। येछो ने हत्यारों, चाबियों और सारे बुरे लोगों से प्रेम इसे रखा ताकि वो लोग अपने में बुरे मार्ग से छूट जाएं और अच्छे मार्ग प्रेम के मार्ग पर वापस लौट आएं। येछो मछी ने हमेशा सबसे प्रेम रखा, कभी किसी को डांटा नहीं, किसी पर चिल्लाया नहीं। वो बस शैतान की आत्माओं को डांटता है, क्योंकि शैतान को प्रेम के बारे में कुछ नहीं पता है। वो बस चाहता है कि हम प्रेम के मार्ग से हट जाएं, हम पैसे या आवत्तियों के मार्ग पर चले जाएं, यहोवा को भूल जाएं, अंधविश्वासी के मार्ग पर चले जाएं, यहोवा को भूल जाएं और सिर्फ यहोवा को ही नहीं येछो को भी भूल जाएं। और आज हम लोग भूले हुए हैं, आज हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों से प्रेम करते हैं जो हमारे ठीक है। जैसे कि आकर नया टीवी आया होता है, आप उसे प्रेम करते हैं, आप हाँ इस बात पर प्रेम करते हैं कि मेरा बहुत सारा पैसा आ गया है अकाउंट में, आप इस बात से प्रेम करते हैं कि मेरा प्यार सबसे अच्छा है, जबकि आप इस बात को नोटिस नहीं करते हैं कि यहोवा ही एक सच्चा प्रेम है। उसने सबको इसे प्रेम का मतलब सिखाया ताकि वो सबको बता सके कि प्रेम सबसे बड़ा है और उससे उत्तम इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। यानी कि मैं आज सबको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ में बाइबल में इसे ये लिखा कि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग इसे लिए है क्योंकि प्रेम से ही यहोवा ने हमें में पाला था। येछो जानता था कि अगर हम लोगों को उनके ऐसी ही हालतों में छोड़ देंगे, उनके ऐसी ही बुराई में छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होगा। यानी कि जैसे कि एक आदमी होता है, वो एक पार्क जाता है, वहाँ पर परमेश्वर की प्रेयर करने लगता है, प्रेयर में कुछ बोलने लगता है, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगता है, उसकी स्तुति आराधना करने लगता है, तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है। वो बंदर उस आदमी को इतना परेशान कर रहा होता है कि जिससे वो आदमी ही प्रेयर ही कर रहा होता है, जबकि उस आदमी को उस बंदर को खुद भगाना होता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी जो होता है और बंदर को भगा देता है। वैसा ही येछो मछी में किया। येछो मछी जानता था कि अगर मैं इन लोगों को नहीं रोकूंगा तो ये लोग नरक की आग में चले जाएंगे। जैसे कि आप लोग खुद किचन में नहीं जा सकते जब तक आप खुद के पैर पर ना चलें, आप लोग तो खुद एक शब्द नहीं बोल सकते जब तक आप खुद के मुँह से ना बोलें, आप लोग खुद येछो के नाम से लोगों को पहचान नहीं सुना छुते जब तक आप लोग खुद कोशिश ना करें। जैसे कि एक किचन पात्र था, वो एक दिन एक पार्लर गया। वहाँ पर पार्लर वाले ने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो, तो उसने बताया कि मैं परमेश्वर का प्रचार करता हूँ। उस पार्लर वाले ने कहा कि पर लोगों को प्रचार की क्या जरूरत है, वो लोग खुद भी तो येछो मछी के पास आ सकते हैं। तब उस क्रिश्चियन ने कहा कि बाहर पार्लर के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा है जो गरीब है, क्या तुम तो मुझे ठीक कर सकते हो, मैं तो उसे 2 मिनट में जनता मैं बुला सकता हूँ, पर वो यहाँ खुद नहीं आता है। तब वो कृतज्ञ आदमी ने कहा कि वैसा ही सही ये दुनिया यहाँ पड़ी हुई है उस आदमी की तरह। आज हम लोग येछो मछी के पास आना तो चाहते हैं पर आ नहीं पाते हैं, क्योंकि आज हम लोग बुराई में फंसे हुए हैं। जब तक हम लोग अपने पैरों पर चलकर येछो मछी के पास नहीं आते, तब तब येछो मछी हमें नहीं अपनाएगा। हालेलुया। येछो मछी के कई शत्रु थे। येछो मछी से दो बैर रखते थे, जैसे छाऊ जो था वो येछो मछी से बैर रखता था, पर येछो मछी में उसे आंखें दी। परमेश्वर के जो भी शत्रु थे, येछो मछी के जो भी शत्रु थे, सब में उनसे प्रेम रखा, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो लोग अच्छे बन सकते थे। और मैं इन्हीं अंग्रेजी वर्ग के साथ येछो सिंह को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम सब और महान परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद जब हमें
अपने जहाज के साथ की जहाँ किया है और हिंदू की कृपा करता है। और मैं के गौतम पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहती हूँ जितने मुझे इतना अच्छा प्रचार बोलने को दिया। और आप मैंने जो प्रचार बोला है उस प्रचार से लोग जे जाने की प्रेम में सबसे उत्तम मार्ग है और हमें उसे नहीं खोना चाहिए और ऊपर चलकर हम आपके पास जा सकते हैं। और प्रार्थना को हमारे गौतम पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज ही को जय मसीह की।